अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही खूबसूरत नहीं मिलेंगी, बल्कि बहुत सारे यूपीएससी टॉपर्स, जेई टॉपर्स और भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो इन सेलिब्रिटीज़ से कम नहीं होती। लोगों के दिमाग में टॉपर्स का एक ऐसा इमेज बना हुआ है कि टॉपर्स सिर्फ चश्मे वाले और मैसी होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ कोरिया ही नहीं बल्कि लोग इंडिया में भी लुक्स ओवर एनीथिंग को ही प्रेफर करते हैं। और देखा जाए तो ब्यूटी विद ब्रेन होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो चाहे लड़का हो या लड़की, सारे लोग अच्छी चीजें डिजर्व करते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि उन्हें थोड़ा स्मार्ट और हार्ड वर्किंग होने की जरूरत है। Ever wondered how some girls in school just have everything together? उनका कॉन्फिडेंस ऑन पॉइंट, स्टाइल ऑलवेज ऑन फ्लीक और स्कूल में सब कुछ मैनेज भी कर लेती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो दैट गर्ल हो जो सबकी नज़र में परफेक्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुम कैसे दैट गर्ल बन सकती हो अपने स्कूल में, कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश एंड सक्सेसफुल। ये तुम डिजर्व करती हो और ये तुम बन जाओगी अगर तुमने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया। अगर तुम बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ को अनलॉक करना चाहती हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। हम इस वीडियो में सिर्फ 4 सिंपल सी फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें फॉलो करके आप दैट गर्ल बन सकती हो। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। अगर तुम दैट गर्ल बनना चाहती हो तो कॉन्फिडेंस इज की। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? क्या सबको नेचुरली मिलता है? बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंस आता है सेल्फ बिलीफ से। जब तुम्हें ये पता होता है कि तुम अपने आप पर ट्रस्ट कर सकती हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ऑरा चेंज हो जाता है। हर सुबह आपको ये कहना है कि आई एम एनफ, आई कैन हैंडल एनीथिंग। ये छोटी सी चीज तुम्हारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर देगी। हमें कभी भी खुद के बारे में कोई बुरी चीज बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हम जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना नेगेटिव होते जाएंगे। इसीलिए अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाओ, पॉजिटिव बात करो तो तुम्हारी जिंदगी ऑटोमेटिकली अच्छी होती चली जाएगी। सेकेंड थिंग इज वॉक विद पर्पस। जब तुम स्कूल में वॉक कर रही हो, इमेजिन लाइक यू ओन द प्लेस। जब भी चलो तो थोड़ा कॉन्फिडेंट पोस्चर रखना, शोल्डर स्ट्रेट, हेड हाई और एक स्माइल। यहाँ पे स्माइल का मतलब हंसना बिल्कुल भी नहीं है। स्माइल का मतलब ये कि आपका चेहरा जैसे है वैसे रखो, और थोड़ी सी स्माइल तब लाओ जब आप किसी फ्रेंड को देखो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने आईब्रोज को हर वक्त झुका के रखते हैं, जिससे बहुत ही वो बुरे लगते हैं। तो अपने फेस को वैसा ही रखो जैसा कि तुम्हारा फेस ऑलरेडी है। फेस योर फियर्स। अगर तुम्हें किसी सब्जेक्ट का डाउट है या प्रेजेंटेशन देने का डर लगता है, फेस इट हेड ऑन। तुम जितना अपने फियर्स को ओवरकम करोगी उतना ही तुम्हें लगने लगेगा कि तुम कुछ भी कर सकती हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टाइल। दैट गर्ल के पास एक ऐसा स्टाइल होता है जो ट्रेंडी और कंफर्टेबल दोनों होता है। तुम्हें अपने आप को एक्सप्रेस करना जरूरी है, बट बिना ओवर द टॉप होने की। यानी तुम्हें छपरी बनने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये समझना इम्पोर्टेंट है कि दैट गर्ल का स्टाइल उनका रिफ्लेक्शन होता है। वो अपने आप को जिस तरह फील करती है वैसा दिखाती भी है। कीप इट सिंपल। स्कूल के लिए ज्यादा फ्लैसी होने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्ट इन सम न्यूट्रल कलर्स लाइक व्हाइट, बेज, ब्लैक। ये कलर सबके साथ मैच हो जाते हैं और तुम्हारा लुक क्लासी बनाते हैं। एक्सेसराइज स्मार्टली। बाय द वे, स्कूल में तो किसी एक्सेसरी को पहनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आपको शौक है तो आप एक क्यूट सा हेयर बैंड लगा सकते हो, या फिर एक स्टाइलिश रिस्ट वॉच कैन एड अ लॉट ऑफ पर्सनैलिटी टू योर लुक। रिमेम्बर, लेस इज मोर। नेक्स्ट इज ग्रूमिंग। याद रहे कि ग्रूमिंग इज की। ये जरूरी नहीं है कि तुम फुल मेकअप लगाओ, बट बेसिक ग्रूमिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लीन नेल्स, टाइडी हेयर और एक फ्रेश फेस ऑलवेज लीव अ गुड इम्प्रेशन। कम्फर्ट ओवर ट्रेंड्स। हमेशा स्टाइलिश दिखने के चक्कर में अनकम्फर्टेबल मत हो जाओ। तुम्हें कम्फर्टेबल फील करना चाहिए अपने आउटफिट में, क्योंकि अगर तुम अपने लुक में कॉन्फिडेंट हो तो ऑटोमेटिकली तुम और भी ज़्यादा रेडिएट करोगी। याद रहे कि कोई भी सिर्फ ट्रेंड्स और फैशन को फॉलो करके दैट गर्ल कभी नहीं बन सकता। स्टाइल और कॉन्फिडेंस के साथ साथ तुम्हें अपना एकेडमिक्स में भी टॉप नॉच परफॉर्म करना होगा, क्योंकि दैट गर्ल नॉट ओनली लुक्स गुड बट सी इज ऑल्सो स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग।
सक्सेसफुल होने का एक सीक्रेट है स्मार्ट वर्क करना, नॉट जस्ट हार्ड वर्क। वैसे तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में इन टिप्स के बारे में ऑलरेडी बता रखा है, बट फिर से मैं इसे रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। पहले तो अपने स्कूल और एक्स्ट्रा करिकुलर्स का टाइम सेट कर लो। यूज प्लानर्स या डिजिटल कैलेंडर्स जिसमें तुम अपने असाइनमेंट्स और टेस्ट को ट्रैक कर सकती हो। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइजिंग। जब तुम किसी सब्जेक्ट को जेन्युइनली समझने की कोशिश करती हो तो तुम्हें उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्राई कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट रेदर देन मेमोराइजिंग। नेक्स्ट इज पोमोडोरो टेक्निक। ये एक गेम चेंजर है। 25 मिनट्स फोकस करो, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लो। ये तुम्हारी कंसंट्रेशन को बूस्ट करेगा। अगला स्टेप है हेल्दी स्टडी स्पेस। अ क्लटर फ्री स्टडी स्पेस इज अ प्रोडक्टिव स्पेस। अपने डेस्क को क्लीन रखो, एक अच्छी लाइटिंग अरेंज करो और डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। अब आ जाते हैं इस वीडियो की लास्ट पार्ट में, वो है बैलेंसिंग स्कूल एंड सोशल लाइफ। अब जब तुम कॉन्फिडेंट फील कर रही हो और एकेडमिक्स में भी किलिंग इट, इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम अपने सोशल लाइफ को बैलेंस करो। स्कूल में फ्रेंड्स बनाना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना भी इक्वली ज़रूरी है, लेकिन बैलेंस कैसे करें? तो चलो मैं बताती हूँ कि तुम्हें अपने सोशल लाइफ को बैलेंस कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ वो है चूज योर सर्कल वाइजली। वो कहते हैं ना, यू बिकम द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। अपने ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हें इंस्पायर करे, मोटिवेट करे और तुम्हारी ग्रोथ के लिए सही हो। दूसरी चीज है बी काइंड एंड सपोर्टिव। दैट गर्ल की एक क्वालिटी होती है काइंडनेस। हेल्प योर क्लासमेट्स, बी अप्रोचेबल एंड ऑलवेज सपोर्ट अदर्स। इससे तुम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करोगी। मतलब ऐसी लड़की बनो कि लोगों को तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगे कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेट बाउंड्रीज। सोशल लाइफ जरूरी है, बट अपना मी टाइम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। डोंट से यस टू एवरीथिंग। Learn to prioritize yourself and learn to say no. तो ये थी मेरी टिप्स ऑन हाउ यू कैन बी दैट गर्ल इन स्कूल, कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश, सक्सेसफुल और सोशली बैलेंस्ड। रिमेम्बर, दैट गर्ल बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अपने आप पर प्राउड फील करना और अपने अंदर के ग्लो को दिखाना। सो गो अहेड, ओन योर जर्नी, शाइन ब्राइट एंड शो द वर्ल्ड योर मैजिक। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना मत भूलना और अपने स्कूल की बेस्टी के साथ शेयर करना जो दैट गर्ल बनना चाहती है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना।